सो so, इस नए लेसन में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस का टूल बार अभी तक आपने क्या क्या सीखा है सोचें सोचें मुझे बताएं। अभी तक आपने सीखा है कि वर्ड को इंस्टॉल कैसे करते हैं अभी तक आपने सीखा है कि वर्ड को होस्टिंग में कन्फिगर कैसे करते हैं अभी तक आपने अपना वर्ड का डैशबोर्ड भी एक्सप्लोर कर लिया और इसी तरह की काफ़ी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम uh, आपके साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे एंड वील गेट टू लर्न टूगेदर दिस गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी सो नाउ लेट्स मूव ऑन

टूल्स और बटन्स जिससे आप अपनी वेबसाइट को एडिट या अपडेट कर सकते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है या ये यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे बट वन थिंग यू शुड नो अबाउट द टूल बार इज दैट इट्स ऑलवेज़ विजिबल सो वर्ड का जो एक टूल बार है ये आपको हमेशा फॉलो करेगा और आपको हमेशा नज़र आता रहेगा इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जो आपको टॉप पे नजर आ रही होती है इट्स अ ब्लैक स्ट्रिप दैट्स कॉल्ड द वर्डप्रेस टूल बार और ये सिर्फ तब नजर आती है जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन लॉग इन करते हैं अगर आपने वर्डप्रेस पे लॉगिन लॉग इन नहीं किया हुआ तो यू विल नॉट सी द वर्डप्रेस टूल बार सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और क्वेश्चंस जो कि बिफोर वी गो लाइव आपके जहन में आएंगे आई वांट टू आंसर देम वन ऑफ़ दम इज़ के कैन आई हाइड द वर्ड प्रेस टूल बार क्या आप वर्ड प्रेस के टूल बार को हाइड कर सकते हैं सो अगेन एज आई लाइक टू गिव शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स टू दिस इज के येस यू कैन आप एक प्लग इन की मदद से अपने वर्ड प्रेस टूल बार को हाइड कर सकते हैं लेकिन वर्ड प्रेस को वर्ड प्रेस के टूल बार को हाइड करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ेगी वो इसलिए क्योंकि कभी कभी पीपल थिंक कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है तो उससे डिस्ट्रैक्ट से डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यू कैन हाइड योर वर्ल्ड प्लस टूल बार एक और क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू ऐड लिंक्स टू द वर्ल्ड प्लेस टूल बार बिल्कुल पॉसिबल है अगेन ये टोटली totally डिपेंड करेगा किस तरह के प्लगिन आप यूज़ करते हैं विच अलाउ यू टू डू दिस वर्ल्ड प्लस टूल बार दिखता कैसा है आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल uh, उसकी नज़र आ रही होगी इट्स बेसिकली अ शॉर्ट ब्लैक स्ट्रिप जो जिससे आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और वर्ड प्रेस टूल बार को हाइड करने की एक और भी ऑप्शन है कि आप यूज़र्स में प्रोफाइल में जा इसको अपने लिए हाइड कर सकते हैं या बाकी लोगों के लिए अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं सो वी विल टेक अ डीप डाइव इन टू द वर्ड प्रेस टूल बार एंड वी विल डू इट लाइव सो यू कैन सी के वर्ड प्रेस टूल बार कैसे काम करता सो so अब हम यूज़ करेंगे हमारा वर्ड प्रेस का टूल बार सो so आप वेबसाइट uh, पे जाएंगे मेरी वेबसाइट है डी जी स्किल्स आद हामिद डॉट ज़ीरो जीरो जीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम और uh, इस साइट पे जाके जिस तरह मैंने आपको बताया था हम लॉग इन करेंगे लॉग इन का बटन क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने लॉग इन का बटन क्लिक किया तो हम एंटर हो गए डैशबोर्ड में डैशबोर्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप टू दैट यू सी जब आप वर्ड प्रेस पर लॉग इन करते हैं आई कैन जस्ट डिसमिस द नोटिफिकेशन एंड नाउ यू विल सी अ स्ट्रिप ऑन द टॉप ये ब्लैक सी स्ट्रिप है जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है जिसपे यहाँ पे एडमिन भी लिखा हुआ है अगर आप देखें मेरे माउस को एडिट uh, प्रोफाइल का भी मेरा लिंक है लॉग आउट का भी लिंक है न्यू पोस्ट का भी लिंक है कॉमेंट्स भी मुझे वो दिखा रहा है साइट और भी दिखा रहा है और वर्ड uh, के कुछ लिंक्स भी दिखा रहा है दिस इज़ कॉल्ड द वर्ड प्रेस टूल बार ये uh, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल इसलिए बिकॉज इट्स ऑलवेज़ विजिबल द वर्ड प्रेस टूल बार विल फॉलो यू एवरीवेयर तो इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा कि ये बैक एंड पे भी उसी तरह अवेलेबल है जिस तरह ये फ्रंट एंड पे अवेलेबल अभी आप क्योंकि डैशबोर्ड में लॉग है तो आप देख रहे हैं कि बैक एंड पे तो अवेलेबल है ही लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी वेबसाइट को खोलूं और मैं वहां जाके देखूं। सो नाउ यू विल नोटिस कि ये सामने भी अवेलेबल है सो वर्ड प्लेस टूल बार विल ऑलवेज बी विजिबल, बट ओनली टू लॉगड इन यूजर्स आपका यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अपने कुछ यूजर्स के लिए वर्ड प्लेस टूल बार को डिसेबल करना चाह रहा हूँ आप ये बिल्कुल कर सकते हैं अगेन बाई यूजिंग प्लग दोबारा वर्ड प्रेस टूर बार को देखें ये आपको कुछ नई ऑप्शंस अब दे रहा है कस्टमाइज एडिट पेज अगर आप चाहें तो आप पेजेस को भी एडिट कर सकते हैं अगेन यूजिंग द वर्ड प्रेस टूर बार सो वर्ड प्रेस टूर बार विल फॉलो यू एवरीवेयर कुछ एग्जाम्पल्स uh, आपको अगेन दिखा दूं कि अगर आप किसी एक सिंगल पेज पर जाते हैं जिस तरह ये अबाउट का हमारा एक पेज बना हुआ है तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं एडिट पेज पे एंड दैट विल टेक यू

बट आई आई विल गो बैक मैं दोबारा वापस जाऊंगा और अगर मैं अपने वेबसाइट के नाम पे क्लिक करूं तो इट विल गिव मी शॉर्ट लिंक्स डैशबोर्ड थीम्स विजिट्स मेन्यूज़ ये सारे मैं बड़े आराम से अपने वर्ड के टूल बार से एक्सेस कर सकता हूँ और यहाँ पर कुछ वर्ड के लिंक्स हैं डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट वर्ड प्रेस है सपोर्ट फॉरम्स हैं तो ये कुछ फीचर्स हैं जो वर्ड प्रेस आपको क्विक एक्सेस के लिए देता है

सो so, आप देख रहे हैं कि मैंने जब सर्च किया हाइड वर्ड प्रेस टूल बार तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा प्लग आ गए अब इसमें से एक प्लग है जिसका नाम है हाइड डब्ल्यू पी टूल बार याद रखिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया था प्लग को जानने के लिए कि वो कितना अच्छा कितना बुरा है आप देख सकते हैं कि उसकी इंस्टॉलेशन कितनी हुई हुई हैं सो इसकी इंस्टॉलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है 500 इंस्टॉल्स हैं चार रिव्यूज़ हैं लेकिन सारे फाइव रेटेड रिव्यूज़ हैं और ये इलेवन मंथ्स पहले अपडेट हुआ था एंड इट्स कम्पैटेबल विद माई वर्ड प्रेस तो आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल इट एंड आई एम गोइंग टू एक्टिवेट इट और देखें जैसे ही ये प्लग इन एक्टिवेट हो गया है तो सबसे पहली चीज़ जो आप प्लग इन एक्टिवेट करने के बाद करेंगे वो ये है कि आप सेटिंग्स को देखेंगे कि उस से प्लग इन से रिलेटेड कोई नया एक मेन्यू तो नहीं आया तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मैं साइट को अपडेट करके देखता हूँ कि ये वर्ड प्रेस एडमिन टूल बार हाइड हुआ है कि नहीं हुआ और ये हाइड अभी नहीं हुआ सो so, इसकी रीज़न ये हो सकती है कि सेटिंग्स में uh, कहीं जाके मुझे ये चेंज uh, करना पड़ेगा क्योंकि अब इस टूल बार ने किया ये इस प्लगइन ने किया ये कि एक बटन ऐड कर दिया जिससे मैं इसको हाइड कर सकता हूँ सो हाइड तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ बट एक बटन ऐड हो गया सो so, आप देख रहे हैं एक नया बटन ऐड हो गया अगर मैं उसको क्लिक करूंगा इट विल हाइड द वर्ड प्रेस टूल बार सो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ लाइक देर आर न्यू थिंग्स दैट यू विल डिस्कवर इन वर्ड प्रेस एवरी डे आपने देखना है कि प्लग इन किस तरह की फंक्शनैलिटी ऑफर करता है और उस पर प्लीज पढ़ जरूर लें कि वो एक्जैक्टली exactly क्या कर रहा है जिस तरह मुझे भी नहीं पता था कि इस प्लग इन से मैं अभी वर्ड मुझे लग रहा था वर्ड प्रेस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा उसका जो टूल बार है लेकिन वो नहीं हुआ फिर मैंने जाके उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी एंड आई फाउंड आउट कि वो एक्चुअली एक बटन ऐड करेगा उस बटन को मुझे क्लिक करना पड़ेगा तो अभी मैं दोबारा अगर क्लिक करूँ तो देखें वो टूल बार वापस आ गया सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्ड प्रेस प्लग इंस नई फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हैं आई जस्ट यूज द टूल बार आई क्लिक ऑन लॉग आउट एंड माई साइट विल बी लॉग आउट सो दिस वॉज वर्ड प्रेस टूल बार हमने सीखा कि वर्ड प्रेस टूल बार यूज करते हुए हाउ वी कैन एक्सेस क्विक फंक्शंस And use amazing uh, tools and functionalities of WordPress with a single click.